हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6 और ये मेरे घर आ गई है। मैं कल पहले ही एक दिन पहले ही इसको बोल दी थी आने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम है आज और मेरे घर आने वाला है गेस्ट। तो और दाल भी दर्रा के ला दिए थे, जिसको फटक के ये साफ़ कर रही है। और ये फटक के साफ कर देगी तो 1 महीना तक ये दाल चलेगा। लकड़ी का चूल्हा जला के दूध गर्म कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से दूध को खोलाऊंगी और काफ़ी देर तक गर्म करेंगे। इसका दही बनाना है तो आज मैं बनाऊंगी मीट। तो मीट सुबह ही ला दिए हैं और अभी नहीं बनाना है, अभी गेस्ट लोग नहीं आएंगे, हमको मीट बनाना है 4 बजे तक। तो पहले हम इसको भूंज के अच्छी तरह से इसका पानी सुखा के रख देंगे। तो इससे पहले हम इसको अच्छी तरह से धो दिए हैं और धोने के बाद हम इसमें हल्दी डाल के और हल्के हाथों से मिला दिए हैं और अब इसको हम कढ़ाई में डाल के भूंजेंगे और काफ़ी मात्रा में तेल डाल दिए हैं ताकि अच्छी तरह से भूंजा जाए और गर्मी का मौसम है, महके नहीं, गर्मी से मीट खराब भी होने का डर रहता है, इसीलिए हम अच्छी तरह से इसको भूंज रहे हैं। मीट को हम भूंज रहे हैं और इसका लगभग पानी सूख गया है, अभी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है और जब तक ये लाल नहीं हो जाए तब तक इसको हम भूंजते रहेंगे। अब टाइम हो रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है और अब हम खाना बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इधर मेरा चावल बन रहा है चूल्हे पे और इधर हम मसाला तैयार कर रही हूँ मीट के लिए। तो पहले हम अदरक पीस रहे हैं, इसके बाद हम लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं। तो ये 50 ग्राम लहसुन होगा जिसको हम अच्छी तरह से छील लिए हैं और उसको पीस रहे हैं। अब हम जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बना रहे हैं और इधर मेरा चावल का पानी गर्म हो गया था, इसमें हम चावल धो के डाल रहे हैं। सभी साबुत मसाला को हम सिलबट्टे पर पीस लिए हैं और बहुत ज़्यादा मसाला पीसना पड़ रहा है। और इधर चावल भी मेरा हो गया है और थोड़ा देर के बाद इसको हम पसा देंगे। चावल मेरा बन गया है और हम यहाँ पे लाके पसा रहे हैं क्योंकि चूल्हा पे पसाएंगे, चावल बहुत ज़्यादा है और मेरा चूल्हा टूट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ नीचे लाके पसा रहे हैं और यहाँ पानी भी बहुत तेज पड़ रहा है। अब हम मीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तेल बचा हुआ था, उसमें हम हींग डाल दिए हैं और 4 पत्ता पतरी डाल दिए हैं और कम से कम 250 ग्राम कटी प्याज डाल दिए हैं और प्याज को गलने के लिए हम नमक डाल दिए हैं ताकि मेरा प्याज गल जाए और 4-5 लाल खड़ा मिर्च तोड़ के डाल दिए हैं और मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट डाल दे रहे हैं क्योंकि अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों काफ़ी देर तक भुंजाता है, इसीलिए हम अब लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। और सूखे मसाला में हम ले लिए हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं क्योंकि मसाला सूखा हुआ था। अब हम लास्ट में डाल रहे हैं जीरा और काली मिर्च का पेस्ट क्योंकि हम लास्ट में ही ज़्यादा देर जीरा और काली मिर्च का पेस्ट को हम नहीं भूनते हैं और इसको हम लास्ट में डालते हैं। और सभी मसाला मेरा अच्छी तरह से भुंजा गया है और तेल भी छोड़ रहा है
अब इसमें हम भुना हुआ मीट डाल दे रहे हैं और इसको हम ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे क्योंकि मीट मेरा भुजा हुआ है, सीझा हुआ भी है, इसीलिए 10 मिनट तक चलाएंगे इसको। ताकि तेल और मसाला सब मिल जाए और मीट। और बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। क्योंकि इसका रस हमको ज्यादा रखना है इसीलिए 2 गिलास पानी डाल दे रहे हैं। और मीट का कलर बहुत अच्छा है।